सारी सब्जियों का भरता। झलक और निशान की शादी का मुहूर्त हाल ही में निकला था। अगले महीने उनकी शादी भी होने वाली थी। हर लड़की की तरह हमारी झलक को भी बस इसी बात की चिंता थी कि शादी के बाद वो रसोई कैसे संभालेगी। माँ, ये सब्जी चक्कर देखो ना कैसे बनी है। अरे सुबह से रसोई में खड़ी है बेटा, अब बस भी कर, सब कुछ अच्छा ही बना है। अरे माँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि शादी सिर्फ खुशी के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए मुझे ना बस आप इतना बताओ कि ये टिंडे की सब्जी कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है सच में बेटा, ऐसी सब्जी कि हर कोई टिंडे खा लेगा। माँ आप सच कह रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मन रखने के लिए कह रही हैं आप। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा मन रखने के लिए नहीं, सच में सारी सब्जियां बहुत अच्छी बनी है। आपको पता है माँ, आज मेरी सास का फ़ोन आया था, कह रही थी उनके बेटे बहुत नखरीले हैं, सब्जियां खाने में बहुत आनाकानी करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा खाना बनाऊँ उन्हें इतना पसंद आए कि वो ना ही ना कह पाए। अरे बेटा ऐसे ही होता है, वो क्या है ना, माँ उन्हें बिगाड़ देती है ज़्यादा प्यार करने के बाद, इसलिए। लेकिन हमारी बेटियाँ ना बहुत अच्छी होती है, वो घर को संवारती हैं, बेटियों के बहुओं के आने से घर घर लगता है। फिर तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो आप मुझे बहुत याद करेंगे ना। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी तू जब भी यहाँ आए तो मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बना देना, ठीक है? ठीक है, मैंने जो इतनी सारी सब्जियाँ सीखी हैं बनाना वो मैं आपको एक एक करके खिलाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं क्या, तेरे ससुराल वाले भी बहुत खुश हो जाएंगी तेरे हाथ की सारी सब्जियां खाकर। तू तो अपने देवर और पति को भी सुधार देगी। झलक पूरी तरह तैयार थी अपने ससुराल में जंग लड़ने के लिए। अरे रसोई की जंग पर उसे कहाँ पता था कि उसके देवर और पति सच में इतने ढीठ हैं कि किसी भी सब्जी को हाथ ही नहीं लगाते। बेटा आज तेरी परीक्षा है, क्या मेरा मतलब है पहली रसोई है, ध्यान रखना ज्यादा कुछ मत बना देना। वो क्या है ना, मैंने तुझे कहा तो था ये दोनों बहुत नखरे करते हैं खाने में, इसलिए। और सुन, साथ में ना आलू जरूर रख लेना। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि ये दोनों हाथ चाटते रह जाएंगे। हाँ बहू, चाहती तो मैं भी यही हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही रोने लग जाओ। मैं रोने लग जाऊं, ऐसा क्यों माँ जी? अब कुछ नहीं कुछ नहीं, चल तू खाना बना ले आराम से, और हाँ आलू रख लेना थोड़ा साइड में। जी माँ जी। झलक आज बड़े शौक से दो दो सब्जियां बनाती है, एक गोभी की और दूसरी लौकी के कोफ्ते की, और सारा खाना इस तरह से सजाती है कि देखने वाले का मन ही ललचा जाए। ये खाना देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा ही मन कर रहा है कि मैं इसे अभी खा जाऊं। निशान और राहुल देखेंगे तो वो तो टूट ही पड़ेंगे इस पर, और माँ जी को भी मुझ पर गर्व होगा कि मैंने इस तरह खाना बनाया है कि ये दोनों खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। चलो अब टेबल पर सारा खाना लगा देती हूँ अच्छे से, वो दोनों आते ही होंगे। झलक ने खाना इस तरह से टेबल पर सजाया था जैसे किसी बड़ी होटल में सजाया जाता है, दिखने में और खुशबू में जैसे किसी शाही खाने से कम नहीं लग रहा था। झलक बहू, तेरे खाने की खुशबू तो मेरे कमरे तक आ रही है, और खाना इस तरह से टेबल पर सजाया है कि अब भी लगता है कि खोल कर खा लूँ सब कुछ। माँ जी मैंने कहा था ना मैं इस तरह से खाना बनाऊंगी और सजाऊंगी कि कोई भी खुद को नहीं रोक पाएगा। मान गए बहू, तुम में कुछ तो बात है, तुमने खाने को ना सिर्फ स्वाद में अच्छा बनाया है लेकिन उसे दिखने में भी इतना सुंदर सजाया है। माँ ये इतनी अच्छी स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे तुम दोनों देखो तो सही किस तरह से सजाया है झलक बहू ने खाना, कितनी खूबसूरत टेबल लग रही है ना। एक मिनट रुको, मैं पहले इसका फोटो खींच लेता हूँ। सच में झलक, तुमने तो होटल को भी पीछे छोड़ दिया। अरे अब देखकर ही पेट भरोगे कि खाओगी भी, चलो खाना शुरू करो सब लोग। हाँ हाँ चलो चलो, क्या बनाया आज? आज मैंने गोभी की सब्जी, लौकी के कोफ्ते और साथ में नान बनाए हैं। गोभी और लौकी के कोफ्ते, देखो तो कितने स्वाद बने हैं। भाभी आपने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन क्या हमें आलू का पराठा मिल सकता है? हाँ झलक, हम दोनों ना ज़्यादातर सब्जियाँ नहीं खाते हैं, तुम ज़्यादा मेहनत मत किया करो सच में, तुम हमें आलू का पराठा दे दो, हम दही के साथ खा लेंगे। अरे पहले आप दोनों टेस्ट तो करके देखो कैसा बना है। नहीं नहीं भाभी, हम कुछ ही सब्जियाँ खाते हैं, जैसे आलू के पराठे, नमक मिर्ची वाला पराठा, बैंगन का भरता। हाँ बेटा, तभी तो मैंने तुझसे कहा था ज़्यादा मेहनत मत कर इन गधों के ऊपर, ये ऐसे ही है।
मैंने भी कितनी कोशिश की इन्हें सारी सब्जियाँ खिलाने की, लेकिन ये दोनों ढीठ के ढीठ ही है। आज बहू ने कितने प्यार से तुम दोनों के लिए खाना बनाया है, एक बार खा कर तो देखो। माँ आपको पता है हम दोनों नहीं खाते ये सारी सब्जियाँ। अच्छा ठीक है, मैं आलू का पराठा बना कर लाती हूँ। बेचारी बहू मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या आपने नालायक बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, कितना बुरा लगा होगा उसे। झलक का सारा उत्साह अपने देवर और पति की बात को सुनकर खत्म हो गया। उसने दूसरे दिन उनके लिए सिंपल सा पुलाव ही बना दिया। ये देखकर निर्मला को झलक के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैं जानती हूँ बेटा कि तेरे बहुत अरमान रहे होंगे कि तू ये बनाएगी, ससुराल में वो बना कर खिलाएगी, लेकिन यहाँ तो इन दोनों नालायकों ने तेरा सपना ही तोड़ दिया है ना। हाँ माँ जी, मैंने कितनी सारी अच्छी सब्जियाँ सोच कर रखी थी कि रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग बना कर खिलाऊँगी सबको, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दोनों तो बिल्कुल भी सब्जियों को हाथ ही नहीं लगाते। अरे बेटा, इनके पिताजी भी ना ऐसे ही थे। जब मैं शादी करके आई थी तब मुझे पता चला कि इनके खानदान में हर कोई ऐसा ही है। एक बस बैंगन का भरता सबसे ज़्यादा पसंद है इन सबको, क्योंकि उसमें बैंगन ही नहीं दिखता ना, इसलिए। तू भी सोच रही होगी कि क्या सिखाया है मैंने अपने बच्चों को। नहीं माँ जी, आपकी भी गलती नहीं है। अब अगर वो दोनों खाना ही नहीं चाहते तो कोई क्या कर सकता है। तू एक काम कर, आज बैंगन का भरता ही बना ले, वो दोनों ना खुशी खुशी खा लेंगे। जी माँ जी ठीक है। झलक रसोई में बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन को सेकने के लिए गैस पर रखती है, लेकिन इसी बीच उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है और वो बात करने में लग जाती है और यहाँ बैंगन पूरी तरह जल जाता है। हे भगवान, ये बैंगन तो पूरा का पूरा ही जल गया, अब क्या करूँ। ये दोनों आते ही होंगे, फ्रिज में देखती हूँ दूसरा बैंगन हो तो। ओहो, यहाँ तो दूसरा बैंगन भी नहीं है, अब क्या करूँ। यहाँ झलक का बैंगन जल गया था और वहाँ दोनों भाई भी आ चुके थे बैंगन के भरते की बात सुनकर। आज तो मज़ा ही आ जाएगा भाई, बैंगन का भरता बनाया है भाभी ने। हाँ हाँ, तुम दोनों इसके ही लाया को, खाओ खुशी से बैंगन का भरता। ये लो आ गई झलक भरता लेकर, लाओ लाओ यहाँ रखो। झलक भरते का बर्तन टेबल पर घबराती हुए रखती है, जिसे देखकर सब लोग तो बड़े उत्साह में थे, लेकिन झलक के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। अरे ये दोनों बर्तन खोलते ही समझ जाएंगे ये बैंगन का नहीं लौकी का भरता है। एक काम करती हूँ, इन दोनों के लिए आलू के पराठे बनाना शुरू कर देती हूँ, इससे पहले कि ये चिल्लाना शुरू कर दे। भाभी ये कौन सा भरता बना है, सच में इसका स्वाद बिल्कुल अलग है पर बहुत अच्छा है क्या। हाँ सच में बहुत अच्छा बना, मैं तो आज 2 रोटी ज़्यादा ही खाऊंगा। क्या हुआ बहू, तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है। नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ इन्हें ये भरता पसंद आया। राहुल और निशांत को पता ही नहीं चला कि वो भरता बैंगन का नहीं बल्कि लौकी का था। झलक ने ये बात निर्मला को अगले दिन बताई तो उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो सच कह रही है क्या बहू। हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, इन दोनों ने जो भरता खाया था ना वो लौकी का था, बैंगन का नहीं। और तो और आज मैंने इन्हें टिफिन में तुरई का भरता बना कर दिया है। हाँ, आज देखते हैं ये दोनों खाकर आते हैं कि नहीं। अगर दोनों खाकर आते हैं फिर तो हमारा काम हो गया। अगर ये सारी सब्जियां ऐसे ही खाने लगे तो मैं तो गंगा ना लूंगी बहू। भाभी ये क्या डाला था आज आपने टिफिन में, क्या वो पसंद नहीं आया क्या। सॉरी, मैं दाल चावल बना देती हूँ। आज ये लगा जी, क्या डाल दिया था तुमने टिफिन में, मेरे तो सारे दोस्त टिफिन पर कूद पड़े, मुझे खाने का मौका ही नहीं मिला। कल मुझे यही दोबारा बना कर दे देना। हाँ भाभी प्लीज़, मुझे भी, और मेरे लिए ना 2 रोटियाँ ज़्यादा डालना प्लीज़, आज तो कमी पड़ गई। क्या सच में आप दोनों को इतना अच्छा लगा आज का टिफिन माँ जी। अरे झलक गंगा जल्ला, मैं तो अभी डुबकी लगा देती हूँ। इन दोनों को क्या हो गया, भरता ही तो खाया है ना हमने। पता नहीं क्या हो गया। अगर आपके घर में भी नहीं खाते हैं सब्जियां तो इस सारी सब्जियों का भरता बनाकर देख लीजिए, क्या पता आपके लिए भी ये ट्रिक काम कर जाए। नहीं नहीं, ये कहानी इन सारे के सारे रिश्तों की नहीं बल्कि 2 रिश्तों में ही सभी रिश्तों के होने की है। अरे बहू, मेरे और तेरे ससुर जी की रोटी मत बनाना, मैं बना लूंगी, दिन तक ठंडी हो जाती है। बहू जो की एक वर्किंग लेडी थी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अच्छे से कपड़े में लपेट देती हूँ ना, आप क्यों मेहनत करेंगी, माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। अरे नहीं बहू, मेहनत मत कर, वैसे भी ऑफिस में कम मेहनत होती है क्या, जा रहने दे। लेकिन बहू मानती नहीं, वो सास ससुर की रोटी बना कर ही जाती है। दोपहर में खाने के वक्त ससुर जी कहते हैं,
अरे बहू को रोटी बनाने के लिए क्यों मना कर दिया? क्या हो गया? ठंडा ही तो खाते आए हम लोग हमेशा से। अरे वो क्या है ना, सुबह ऑफिस जाती है, घर का सारा काम करने में वक्त लग जाता है। अरे थकती है वो अलग, तो मैंने सोचा बहाने से ही थोड़ा कम काम करवाऊं। ससुर मुस्करा रहे होते हैं। यह तो अच्छा है, बहू को समझना जरूरी है। वक्त बीत रहा था, घर में सब खुश थे कि एक दिन, माँ जी आप शाम को थोड़ा टहलने निकला करें, घर पर रह रहकर हड्डियां जाम होती है, पापा को भी ले जाया करिए, मैं वक्त पर तो आ जाती हूँ। बहू ठीक 5 बजे ऑफिस से घर आ जाती है, फिर चाय नाश्ता बनाकर सास ससुर के साथ बैठती, उन लोगों को सारा दिन का हाल बताती। रात को पति घर आता है। क्या बात है बेटा, ऑफिस से आकर कभी हम लोगों के साथ भी बैठा कर। अरे माँ, दिन रात काम करके मन ही नहीं करता, अगले दिन की फिर तैयारी होती है, आप और पापा ही कमरे में आ जाओ। इससे अच्छी तो बहू है, कितना भी थकी रहे घर आकर हम लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना, फिर बातें करना। बहू ना होती तो हम बुढ़ा बुढ़िया तो बैठे ही रह जाते। सास और ससुर अब बहू के कहने पर शाम की सैर पर निकलने लगते हैं। सास की कई सहेलियां बनती है, तो ससुर को भी कुछ बुजुर्ग लोगों का ग्रुप मिल जाता है। कैसा रहा सहेलियों के साथ शाम का वक्त? हम लोगों ने तो भाई खूब योगा किया। अरे हम लोगों को गप्पों से फुर्सत ही नहीं होती। वैसे मिसेस मल्होत्रा आज बहू के बारे में कुछ बोल रही थी। तभी वहां ऑफिस से बहू आ जाती है, जो जींस और टॉप में होती है। क्या बात है माँ, क्या कह रही थी आपकी सहेली आपकी बहू के लिए? सास इस बार बहू को कुछ अलग तरीके से देखती है और उल्टा सवाल ही दाग देती है। क्या कह रही थी वो, हटा, ये बता तेरे ऑफिस में तो मर्द भी काम करते होंगे ना। बहू जो अब तक मजाक कर रही थी वो सीरियस हो जाती है। मर्द होंगे नहीं माँ जी, मर्द ही ज्यादा है, हम 5 ही लड़कियां हैं ऑफिस में। अरे तो अच्छा लगता है क्या ऐसे कपड़े पहनती हो, कल से तुम ना साड़ी पहनकर ऑफिस जाना, और हाँ शाम का नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाया करो, नाश्ता बनाकर बाद में ही ऑफिस के कपड़े चेंज करने जाना। बहू को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, सीधे किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाती है और सास ससुर को दे देती है। अगले रोज बहू ऑफिस के लिए तैयार होती है, तो खूब सुंदर सी साड़ी पहनती है और ऑफिस के लिए निकलने से पहले सास और ससुर के पैर छूती है और निकल जाती है। क्या बात है, आज मेधा के ऑफिस में लग रहा है कोई फंक्शन है। अच्छा, पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं, वैसे तो सारी बात करती रहती है। अरे देखा नहीं कैसे साड़ी पहनकर जा रही थी? अरे वो तो मैंने ही बोला है उसे। अरे अच्छा लगता है क्या रोज रोज ऐसे सूट या जींस में जाना? बहू हो बहू बनकर रहो, और आप भी ना मेधा मेधा मत किया करिए, बहू बोला करिए, सर पर चढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। सास अब बहू को बहू जैसा रखने लगती है, हर बात पर रोका टोकी, हर बात पर ताने। क्या बात है, आजकल लेट आ रही हो ऑफिस से? अरे चाय के लिए भी देर हो जाती है, हम लोग फिर पार्क में भी देर से पहुंचते हैं। सभी की बहुएं वक्त से चाय नाश्ता करा देती है अपने सास ससुर को, बस एक तू ही है जो उस वक्त ऑफिस से निकलती है। माँ जी वो एक रास्ता पुलिस वालों ने न जाने क्यों बंद कर रखा है, जिसके कारण ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, मैं कोशिश करूंगी कल वक्त से पहले ही निकल जाऊं। ससुर देख रहे होते हैं कि बहू अब परेशान सी रहने लगी है। एक रोज, मेधा बेटी मेधा। जी पिताजी। बेटा देख जरा कौन सी टी शर्ट अच्छी लग रही है, वो क्या है ना शाम को सब बदल बदल कर टी शर्ट पहनता है, मैं भी सोच रहा हूँ कि आज कुछ अच्छा सा पहन कर जाऊं। हाँ पिताजी ये सही है, ये लाल वाली ना बहुत जचेगी आप पर, मेरे पापा पर भी डार्क रंग बहुत जचता है। क्या चल रहा है, अरे ससुर के सामने घूंघट तो छोड़ो, ऊपर से रंग बताया जा रहा है टी शर्ट का। अरे बहू कोई संस्कार दिए नहीं है क्या तेरी माँ ने? बहू इस बार बहुत निराश हो जाती है, वो वहां से तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। अब बहू घर का सारा काम करती, ऑफिस जाती, लेकिन साड़ी और सर पर पल्ला लेकर। एक बार पड़ोसन उनके घर आती है। वाह सुमित्रा बहन, बहू का तो रूप ही बदल दिया, ठीक किया, बहू बहू जैसी ही अच्छी लगती है। अच्छा चलती हूँ मैं।
पड़ोसन के जाने के बाद सास बड़ी अकड़ के साथ कहती है, देखा मेरा कमाल, कैसे मैंने मेधा बहू को कंट्रोल में कर लिया। अब बारी ससुर के बोलने की थी। हाँ सुमित्रा, बिल्कुल ये काम तो किया है तुमने, लेकिन कभी सोचा क्या खो दिया? क्या खो दिया? मैंने तो कुछ नहीं खोया जी। खोया है, पहले बहू जब ऑफिस जाती तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें गले लगाती, लेकिन अब सिर्फ पैर छूती है। हाँ जी, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं। पहले घंटों हम लोगों से बात करती, कमरे में ना जाती, ऑफिस से आते ही खुद की चाय, खाना, नाश्ता सब हम लोगों के साथ करती, सारी बात बताती। लेकिन क्या तुम्हें पता है, बहू की तबीयत खराब चल रही है, वो माँ बनने वाली है। ये बात मुझे बेटे ने बताई कि तुम्हें बता दूं। अब सास की आंख में आंसू थे, वो समझ गई थी कि लोगों के कहने में आकर उसने क्या खो दिया। शाम को बहू घर आती है तो माँ किचन में पकोड़े तल रही होती है। अरे माँ जी, आप रहने दीजिए ना, मैं आ तो रही थी। अरे नहीं, जा तू चेंज कर ले, मैं नाश्ता और चाय टेबल पर ही लगा रही हूँ मेधा। सास के मुंह से अपना नाम सुनकर बहू को बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, कोई गलती हो गई है क्या? मेरे होते हुए आप काम करें, ये ठीक नहीं है। संस्कारी और समझदार बहू सास को माँ समझती है, लेकिन सास की बेवकूफ़ी उसे सास ही बना कर रखती है। बहू, मुझे भी थोड़े संस्कार और समझदार बनने का मौका दे, जिससे मैं भी बहू नहीं बेटी को देखूं तुझ में। और हाँ, मेरा होने वाला पोता क्या कहेगा कि दादी ने तो मेरी माँ को बहुत परेशान किया। बहू सास को गले लगा लेती है। नहीं माँ जी, वो कहेगा कि माँ को तो दादी ने बेटी बना कर रखा है।